हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार शर्मा, बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्कस फोर्स एंड विस्कस टॉर्क के विषय में। अब यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट है वही है कि एफ बराबर ईटा ए वी अपान एच, आप कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप आते हैं कि विस्कस फोर्स ईटा ई बी अपान एच अप्लाई ही नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि अप्लाइड होता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, अगर आप रो का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक लिक्विड है, उसके अंदर एक सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट घूम रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक टॉर्क इक्वेशन लिखी है। वो टॉर्क इक्वेशन इस विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से नहीं आएगा, ईटा ई बी अपान एच के फॉर्मूले से गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं हर चीज क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में कब वी अपान एच लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, कब टॉर्क का इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं। ओके, और आपको विस्कस फोर्स से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो पेशेंस से आप लास्ट तक देखिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव ऑल योर डाउट। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे शियर फोर्स का। विस्कस फोर्स एक शियर फोर्स है, शियर फोर्स, विस्कस फोर्स इज अ शियर फोर्स। और जो शियर स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस इज ईटा ए डी वी अपॉन डी आर, डेल वी अपॉन डी आर, दिस इज द शियर स्ट्रेस। और ये जो डेल वी अपॉन डी आर है ना, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लिक्विड, कंप्लीटली डिपेंड ऑन क्लिकिंग अप शियर प्रोफाइल ऑफ लिक्विड, दिस क्लिकिंग अप शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसके बाद हम फोर्स की बात करेंगे, शियर फोर्स जो कि एक विस्कस फोर्स है। अब इसमें एक चीज रखना, डेल वी अपॉन डेल आर लिख लो, वेयर डेल वी अपॉन डेल आर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखना, अब कुछ चीजें, जो लिक्विड का फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है, फर्स्ट ट्रांसलेटरी फ्लो एंड सेकेंड रोटेटरी फ्लो। तो फ्लो दो तरह से होता है, हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ सबसे पहले इसका, और एक ही करके तुम देखते हो ना, अंतिम में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेल वी अपॉन डेल आर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। अब फ्लो दो तरह से होते हैं, फ्लो फर्स्ट ट्रांसलेटरी फ्लो एंड सेकेंड है रोटेटरी फ्लो, रोटेटरी फ्लो। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेटरी फ्लो की, ट्रांसलेटरी फ्लो, देखो ट्रांसलेटरी फ्लो, ट्रांसलेटरी फ्लो कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट मैंने ऐसे बना दिया, एक स्क्वायर प्लेट बना दिया, और इस प्लेट पे लिक्विड है जो कि इस तरीके से, ये सरफेस है, क्लिफिक सरफेस है, और इस पे लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, इज द फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि टॉप सरफेस की वेलोसिटी वी नॉट है और नीचे के सरफेस की जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो फिक्स है, दैट इज जीरो। सेकेंड है कि एक सिलेंडर पाइप है, सिलेंडर पाइप है, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे ये भी ट्रांसलेटरी फ्लो भाई। एक एक बड़ा सा सरफेस है, उसके ऊपर लिक्विड है और लिक्विड ऐसे फ्लो कर रही है, एग्जांपल वन में दिख रहा है, और दूसरा एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, उसके अंदर लिक्विड ऐसे फ्लो कर रही है, ये भी ट्रांसलेटरी फ्लो है, ये भी ट्रांसलेटरी फ्लो है और ये भी ट्रांसलेटरी फ्लो, दोनों ट्रांसलेटरी फ्लो है। ठीक है, थर्ड जो है वो है रोटेटरी फ्लो, रोटेटरी फ्लो। रोटेटरी फ्लो पे क्या, रोटेटरी फ्लो में
ये है, जैसे कि सपोज करो एक सिलेंडर है उस तरीके से, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है और इस सिलेंडर के ऊपर एक आपने सॉफ्ट रख दिया, ऐसा ऐसा सॉफ्ट रख दिया, ये सॉफ्ट है और ये सॉफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो लिक्विड भी अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ऐसा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, सॉफ्ट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है और लिक्विड ऐसे घूम रही है, मतलब ग्लास में पानी भर दिया उसके ऊपर एक सॉफ्ट रख दिया और सॉफ्ट कैसे घुमाते हैं, तो लिक्विड है ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है लिक्विड, ऐसे घूम रही है रोटेटरी फ्लो। एक है ठीक है, सेकेंड है, अच्छा इसमें ना ये जो वन सेकेंड, यहाँ पर मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि ये जो रीजन है ना, ठीक है नो इश्यूज, नो इश्यू ठीक है, एक ये हाई टच है, ये सरफेस रफ है जहां से विस्कस फोर्स आएगा, ये विस्कस फोर्स इसमें से आएगा, इधर से कोई विस्कस फोर्स नहीं इस केस में। सेकेंड है कि इस तरीके से एक इनर सॉफ्ट है और एक सिलेंडर के अंदर रख दिया गया और ये अपने एक्सिस के अबाउट पूरा सॉफ्ट घूम रहा है और इसमें की जो लिक्विड है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, किसी ओमेगा से लिक्विड घूम रही है, लेकिन जो नहीं कि लिक्विड के हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, ऐसे घूम रही है, हालांकि नहीं है सेम होगा इसमें। तो ये सेकेंड रोटेटरी फ्लो में एक केसी एक केसी मैं ट्रीट करूंगा और ट्रांसलेटरी में किया और एक के ट्रीट करूंगा। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी प्रोफाइल से डेल वी अपॉन डेल आर निकालेंगे, वन से निकल गया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है सबको एक समराइज कर दूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन को डील कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो फ्लो के टाइप्स हो गए, इसके साथ जो लिक्विड होती है उसके थिकनेस की बात करते हैं, लिक्विड के थिकनेस की बात करते हैं ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है थिकनेस ऑफ लिक्विड, थिकनेस ऑफ लिक्विड, फर्स्ट थिन हो सकता है एंड सेकेंड थिक हो सकता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थिन से, यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर इन दोनों फ्लो को ट्रीट करेंगे, फिर थिक स्टार्ट करेंगे दोनों फ्लो को ट्रीट करेंगे। चलिए बात करते हैं, थिन सरफेस, थिन लिक्विड है, थिन लिक्विड है, ट्रांसलेटरी की बात करने जा रहा हूं, ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूं। तो ट्रांसलेटरी में चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई भी हो, वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसलेटरी में केस वन की, जिसमें प्लेट है फिक्स प्लेट। तो अगर हाइट इसकी h है तो h इज वेरी वेरी स्मॉल, यहां की लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होगी दैट इज v नॉट, और यहां की वेलोसिटी क्या होगी जीरो, ये फिक्स्ड है दिस इज द फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे बनेगी, तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगी कि स्ट्रेट लाइन बनती है वेलोसिटी प्रोफाइल इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल। हम बात कर रहे हैं थिन लिक्विड, मतलब h इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर इस ऊपर टॉप की पॉइंट वेलोसिटी v नॉट है तो इससे जो टच किया हुआ है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि फिक्स्ड है, तो इसको मिलाएंगे ना तो जस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा और यहाँ की वेलोसिटी ऐसे, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है बेसिकली। तो हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, अगर मुझे ये जानना हो कि यहाँ से जेड डिस्टेंस ऊपर, लेट्स मुझे ये जानना है कि यहाँ से जेड डिस्टेंस ऊपर लिक्विड की वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, भी कितनी होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन यूज कर लें, या इसकी वेलोसिटी भी है, भी है तो क्या लिखोगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, दिस लेंथ इज वी नॉट एंड डिवाइड बाई भी, वी नॉट अपॉन भी इक्वल टू दिस लेंथ इज एच एंड दिस लेंथ इज जेड जेड, तो बन गया कितना भी की वैल्यू बन गई, भी इधर भेजो इसको इधर भेजो तो बनेगा भी नॉट अपॉन एच इंटू जेड, ये बन गया। अच्छा लेकिन एक और बात है,
ये ओरिजिन है, लेट्स दिस इज ओरिजिन। ऊपर जाने में वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। वी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एच इंटू जेड बन गया। ओके तो अगर थिन है, थिन लिक्विड है, तो ट्रांसलेटरी के इस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल ये बन गया। तो अब वो जो डीवी बाई डीजेड है, अब यहाँ पे जो बनेगा क्या, विस्कस फोर्स, दिस इज ईटा डेल वी अपॉन डेल जेड बनता है। तो डेल वी अपॉन डेल जेड डिफरेंशिएट कर दो, दिस इज वी नॉट अपॉन एच, ये बन गया। तो इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, वी नॉट अपॉन एच लिख सकते हो, अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट है तो ईटा वी नॉट अपॉन एच, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल से वेलोसिटी ग्रेडियंट के रूप निकाल दिया। और किसी टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो फिर उस टाइम पे ये लीनियर फंक्शन ये फिर ही बनेगा, तो वी अपॉन एच लिख लो, द बेटर वर्ड इज वी, तो अपने आप लिखा है ना, कोई सॉरी, ठीक है ओके, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। शियर स्ट्रेस ट्रांसलेटरी फॉर्म। अब हम बात करेंगे थिन लिक्विड में, अब पाइप के अंदर हम बात करते हैं। सेकेंड केस था कि एक सिलेंडर पाइप है ऐसा, ठीक है, और इसमें जो लिक्विड है ये एक्सिस है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सिस पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा कि ऊपर कैंड फिक्स है, नीचे कैंड फिक्स है, तो यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी जीरो, V1 लिख लो जीरो, फिक्स सरफेस वेलोसिटी जीरो, और यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी एक्सिस पे एंड दैट इज V0। और जितना तुम ऊपर जाओगे वेलोसिटी उतनी क्या होगी, घटेगी, यहाँ की वेलोसिटी जीरो, यहाँ की V0। तो अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करूँ तो ये इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल दिखा होगा, ऐसे इस एंड को इस को मिला दो, जैसे मैंने यहाँ मिलाया ना, जैसे मैंने यहाँ मिलाया वी नॉट को इस एंड से जीरो से वैसे मिला दो, तो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, ये वेलोसिटी प्रोफाइल बन गया। लेकिन ये जो रेडियस होना चाहिए, दिस रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये रेडियस बहुत कम होना चाहिए कंपेयर टू दिस लेंथ, ठीक है, बहुत ही स्मॉल। तो फिर अगर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी प्रोफाइल की, और मैं कह रहा हूँ कि ये सपोज करो एक्सिस है, तो यहाँ से आर दूरी पे मैं जानना चाहता हूँ कि वेलोसिटी भी कितनी आएगी आर दूरी पे, जब ये रेडियस कैपिटल आर है और कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या करोगे, फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन दिस लेंथ इज वी नॉट अपॉन दिस वेलोसिटी इज वी इज इक्वल टू दिस लेंथ इज आर एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इससे वेलोसिटी प्रोफाइल बन गया आपका, अब वी इज इक्वल टू इसको इधर भेजिए इसको इधर भेजिए, तो ये बनेगा वी नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये बन गया, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो अगर हम पूछो डेल वी बाई डेल जेड क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, तो बनेगा वी नॉट अपॉन कैपिटल आर डेल वी अपॉन डेल आर, क्या बनेगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो दिस इज माइनस साइन वी नॉट आर का 1 बनेगा कैपिटल आर, ये बन गया। और इसमें जो विस्कस फोर्स बनता है, विस्कस फोर्स यहाँ पे विस्कस करा शियर स्ट्रेस दैट इज ईटा डेल बी अपॉन डेल आर बनता है, और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो तो बनेगा ईटा माइनस वी नॉट अपॉन कैपिटल आर, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये लिख लिया हमने शियर स्ट्रेस, मतलब ये है कि एक लिक्विड थीन है, ठीक है। अभी मैं एक बार एक और है याद करने के लिए, वर्णी याद करने के पर्पज से, ये जो डेल बी अपॉन डेल जेड है ना, वो इसको तुम ऐसे याद किया जाता है इन जनरल, बच्चों को याद करा दिया जाता है कि यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी जीरो है, वी नॉट माइनस जीरो करो एंड डिवाइड बाई ये बीस की दूरी क्या है जेड, ये एच है ना, हाइट एच है, ये पूरा एच है, डिवाइड कर दो अगेन वी नॉट अपॉन एच, वी नॉट अपॉन एच। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर पता करना है तो यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ की जीरो है, तो क्या लिखोगे, इसी को डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो डेल बी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ की जीरो, लिखोगे वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, डिवाइड कर दो, आ गया वी नॉट अपॉन कैपिटल आर, बट माइनस साइन में इसे लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाने वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, आ गया देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो थिन लिक्विड में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो ट्रांसलेटरी फ्लो हो या एक ट्यूब के अंदर फ्लो हो, आप सिंपल क्या करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए एक्सिस की वेलोसिटी अपन सरफेस की वेलोसिटी डिवाइड बाय 20 की दूरी कर दोगे, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोटेटरी लिक्विड पे जाके, रोटेटरी लिक्विड
अगली बात है रोटेटरी लिक्विड्स। रोटेटरी लिक्विड्स, रोटेटरी लिक्विड में जो पहला पार्ट था वो इस तरीके से था कि सपोज करो यहाँ पे आपने एक डिस्क रखा है, डिस्क रखा है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है एक्सिस के अलावा। तो लिक्विड्स होगा वो इसके नीचे जो लिक्विड होगी वो इस तरीके से घूमती नजर आएगी आएगी, और यहाँ का लिक्विड रेस्ट पे होगा, ये लिक्विड रेस्ट पे होगा। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल की। सेंटर से, अच्छा ये बताओ अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये सरफेस है, एंड जो सियर स्ट्रेस आएगा, सियर स्ट्रेस आएगा वो ये जो सरफेस है ना इस सरफेस का डिस्टॉर्शन आएगा। से लिक्विड का ये सरफेस है, ऐसा सरफेस है, तो ये जो डिस्क जब ऐसे खींचेगा ना, जब ऐसे खींचेगा तो लिक्विड की लेयर ऐसे बेंड करेगी, लिक्विड की लेयर ऐसे बेंड करेगी ऐसे। तो मुझे इस प्रोफाइल को जानना है कि ये प्रोफाइल कैसा हो, ये प्रोफाइल कैसा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हाइट एच इज वेरी वेरी स्मॉल, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है, तो इस अगर सेंटर से आर दूरी पे जाऊँ, इसके सेंटर से अगर मैं आर दूरी पे जाऊँ, आर दूरी पे यहाँ पे आऊँ, तो लिक्विड के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज आर ओमेगा, आप ऐसे दिखाएंगे, और फिर ये जो ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या दिखाएंगे, एच हाइट नीचे वेलोसिटी जीरो दिखाएंगे। तो जब प्रोफाइल दिखाएंगे एक्चुअल में इस डायग्राम को ऐसे दिखा कि मुझे ये आर ओमेगा ना इस प्लेन के अंदर क्यों रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ऐसे, ये वाला सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे जो लिक्विड की पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा इधर होगी, और एच हाइट नीचे आर दूरी पे इधर वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये जो सरफेस है ना बेसिकली ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे बस स्ट्रेस स्ट्रेस ऐसे डेवलप होगा, स्ट्रेस स्ट्रेस में फोर्स ऐसे लग रहा है ऐसे। तो वेलोसिटी प्रोफाइल ये जो वर्टिकल लिक्विड है ना इस पे देखना है, वेलोसिटी प्रोफाइल इस पे देखना है, ये वाला आर ओमेगा, फिर ये थोड़ा कम थोड़ा ये कम थोड़ा ये कम थोड़ा ये कम, जटे जीरो ऐसे। और उसी आर ओमेगा को जो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था उसका मैंने ऐसे दिखा दिया व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर वो डायग्राम बनाया नहीं जा सकता था। और इसकी जीरो, अभी हाइट एच बहुत कम है, तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी ना अगर तुम इसको मिला दो तो अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगेन स्ट्रेट लाइन। तो फिर जो डीवी अपॉन डेल आर लिखोगे, एक बार फिर अगर मैं पूछूं यहाँ से जेड डिस्टेंस ऊपर बताइए, अगर ये वेलोसिटी भी है तो भी के बोलो क्या लिखो, तो दिस भी अपॉन आर ओमेगा इज इक्वल टू, एंड दिस आर ओमेगा इज नथिंग बट वी वन इज इक्वल टू, ये लिखे रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, भी अपान आर ओमेगा इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज कैपिटल एच माइनस जेड, कैपिटल एच माइनस जेड अपान कैपिटल एच। तो यहां से भी इक्वल आ गई एच, वन सेकेंड आ गया, वन माइनस जेड अपान एच ब्रैकेट में आर ओमेगा। अब जो भी है वो आर पे, तो ये जो भी है ना वेलोसिटी ग्रेडिएंट जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है, ये निकालना है, वो आर पे डिपेंड करेगा नहीं, सिर्फ जेड पे डिपेंड करेगा, तो बनेगा माइनस आर ओमेगा अपान एच, ये बन गया। तो जो भी वेलोसिटी ग्रेडिएंट बना इतना बन गया। अब इसको निकालने का, चूंकि ये थिन है तो तुम्हारे पास एक तरीका क्या था, इस ये वाली वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस यहाँ की वेलोसिटी जीरो डिवाइड बाई एच कर दो एच। देखो अगर मैं डायरेक्ट याद करने वाला मेथड निकालता डेल वी बाई डेल जेड को क्या लिखता, यहाँ की वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस यहाँ की वेलोसिटी जीरो एंड डिवाइड बाई ये पूरी हाइट एच आ गया, और माइनस साइन इसी में लगा रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जाने पे घट रही है इसलिए माइनस साइन। अच्छा थिन लिक्विड पे तो मैंने लिख दिया, अब हम बात करेंगे एक और है एंड दैट इज शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट जो इस तरीके से था कि एक इनर सिलेंडर है इस तरीके से, और एक आउटर सिलेंडर है, लेट्स आउटर सिलेंडर फिक्स्ड है, कोई इशू नहीं कि आउटर सिलेंडर फिक्स ही हो, नहीं फिक्स होगा तभी भी निकाल लोगे तो ठीक है। इसी मेथड से अगर थीन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा वेलोसिटी प्रोफाइल, फिर स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन एक आंसर देगा। अब देखो इसका डायमीटर रेडियस मान लो आर वन है और आउटर रेडियस आर टू है, ये फिक्स्ड है, लेट्स आउटर फिक्स्ड है, और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, और ये जो लिक्विड है ना दिस, ये जो थिकनेस एच है ना एच, दिस एच इज नथिंग बट आर टू माइनस आर वन, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर वन एंड आर टू, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर वन एंड आर टू, बहुत ही स्मॉल है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल की। तो
यहाँ की वेलोसिटी क्या दिखाओगे, आर वन ओमेगा अंदर की ओर, और यहाँ की वेलोसिटी क्या दिखाओगे, जीरो, क्योंकि फिक्स्ड है। तो इसी को अगर तुम बनाओगे ना ऐसे, तो ये बनेगा इस तरीके से, आर वन ओमेगा और इसकी वेलोसिटी जीरो, दैट इज जीरो जीरो। एंड वेलोसिटी प्रोफाइल अगर ये थिन है तो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बनेगा, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ का आर वन ओमेगा दिखाओगे, यहाँ का जीरो, ठीक है, तो चूंकि ये आर वन ओमेगा ऐसे, इसका जीरो, वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे ट्राइंगल, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, तो इस तरीके से बनेगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नथिंग बट आर टू माइनस आर वन। तो कन्फर्म है कि अगर कोई पूछे कि इस सरफेस से सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे बताइए वेलोसिटी कितनी है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार फिर, तो यहाँ से दूरी क्या बनेगी कि स्मॉल आर माइनस आर वन, ये दूरी कितनी बनेगी, स्मॉल आर माइनस आर वन। तो यहाँ से मुझे बता करना था इस डिस्टेंस पे वेलोसिटी बतानी है, एंड दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर माइनस आर वन। तो क्या लिखोगे, ये वेलोसिटी लेट्स दिस इज भी, तो ये क्या लिखोगे, आर वन ओमेगा एंड डिवाइड बाई भी इज इक्वल टू दिस लेंथ इज आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर माइनस आर वन। तो यहाँ से भी इक्वल क्या लिखोगे, सब इधर भेज दो, तो बनेगा आर माइनस आर वन ओमेगा डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन। तो डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू समथिंग बट वन बनेगा इसका, इसका जीरो बनेगा, तो बनेगा आर वन ओमेगा एंड डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन ओमेगा। चेक कर लो इसको, तो ये आर माइनस आर वन है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन बनना चाहिए था, पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव बनेगा, कैसे, ये बनेगा आर वन ओमेगा डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर वन। नहीं तो गलत बन गया ना प्रोफाइल, इसका ज्यादा है ये, मतलब ये ज्यादा है ऊपर कम है, ये मतलब उल्टा बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, सॉरी। ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका यहाँ का जीरो है, यहाँ का ज्यादा है, तो आर वन ओमेगा, और यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस बनेगा, दिस इज नथिंग बट आर टू माइनस आर वन। तो ये वेलोसिटी अगर भी निकालना है, और ये अगर कुछ और नहीं होगी, दिस इज आर माइनस आर वन, तो ये बनेगा एक माइनस साइन का टर्म इसमें बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये माइनस साइन बन जाएगा। मैं इक्वेशन लिख दूँ क्या, लिखता हूँ देखिए, बाकी मैं इसको हटाता हूँ उसी क्वेश्चन को लिखने के लिए, दिस वन इज, तो यहां बनेगा आपका कितना, ये बन जाएगा, ये लेंथ इज आर वन ओमेगा एंड होल डिवाइड बाई भी आर वन अपन भी, ये दूरी क्या बनेगी, दिस डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर वन अपान, और ये दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी निकालना है, तो ये कितना आएगा देखो, अच्छा ये दूरी आर है, ये दूरी कितनी आएगी, दिस इज कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर बनेगा, तो ये दूरी कैपिटल आर माइनस, कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर बनेगा, देखो कैपिटल आर टू माइनस, ये दूरी कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर बनेगा, कैपिटल आर टू माइनस स्मॉल आर लिखेंगे, तो यहाँ से भी क्यों लिखा जाएगी, इस पे इधर भेजो, तो आर टू माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट में, इसको भी इधर भेजा, इसको इधर भेजा, दिस इज आर वन ओमेगा अपॉन आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ से डेल भी अपॉन डेल आर निकालोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो बनेगा माइनस आर वन ओमेगा डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन माइनस साइन, ठीक है। बट ये एच बहुत कम होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, भाई यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, यहाँ की वेलोसिटी क्या, आर वन ओमेगा, तो आर वन ओमेगा माइनस जीरो एंड डिवाइड बाई बी इसकी दूरी आर टू माइनस आर वन, वही तो है, आर वन ओमेगा माइनस जीरो डिवाइड बाई आर टू माइनस आर वन, मतलब इस सरफेस की वेलोसिटी, इस सरफेस की वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो और 20 की दूरी से डिवाइड कर दो, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट विद हेल्प ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल अंडर थिन लिक्विड्स। तो थिन लिक्विड के अंदर मैं आपको बताया, ठीक है। अब अगर लिक्विड थिक है तो हम बात करते हैं, अगला स्टेटमेंट है थिक लिक्विड का। तो थिक लिक्विड अगर है तो अब एक प्रॉब्लम्स है, थिक लिक्विड में एक प्रॉब्लम्स है, एक और चीज है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो इन जनरल क्वेश्चन में ये दिया गया होता है कि दिस इज अ थिन लिक्विड, नहीं लिखा नहीं होता थिन लिक्विड, तो डिफॉल्ट केस में आप उसको थिन लिक्विड बनाएंगे,
इंपोर्टेंट वर्ड है, डिफॉल्ट केस में आप उसको एक थिन लिक्विड बनाएंगे, डिफॉल्ट केस में आप उसको एक थिन लिक्विड बनाएंगे। लेकिन अगर थिक लिक्विड है तो या तो क्वेश्चन में लिखेगा वेलोसिटी प्रोफाइल ये है, वो लिखेगा वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो उसमें भी देखो, जैसे सपोज करो रेक्टेंगुलर फ्लो है, मतलब ये प्लेट के ऊपर एक फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, और ये रेस्ट पे है तो हाइट एच है, तो यहाँ की वेलोसिटी भी है और यहाँ की वेलोसिटी जीरो है, तो ये एक पैराबोलिक फ्लो होता है इस तरीके से। ये क्वेश्चन में इन जनरल पैराबोलिक ही होता है, ये पैराबोलिक फ्लो होता है इस तरीके से, दिस इज द पैराबोलिक फ्लो, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द पैराबोलिक फ्लो। तो क्वेश्चन भी मेंशन होगा कि कैसा फ्लो है। और एक और बता रहा, अगर ये एच बहुत कम होता है ना, तो इसको मिलाने, ये जो कर्व है ना, ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिखाता है, स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है। आगे हमारा थिन लिक्विड का स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल वेलोसिटी का। अगर ये पैराबोलिक है तो क्वेश्चन क्या होगा, पैराबोलिक, यहाँ की वेलोसिटी जीरो है और ये इसका इस कर्व की क्वेश्चन क्या बनेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वर्ड है, देखो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट वर्ड है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इक्वेशन बनना चाहिए वी इज इक्वल टू अंडर रूट एक सम कांस्टेंट इनटू रूट एक्स बनेगा। देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना ऐसे ना, तो कर्व कॉनकेविटी नीचे करो, नीचे करो, तो रूट सी रूट एक्स बनेगा। सी निकालना है तो बाउंड्री कंडीशन आएगा, एक्स जगह पे जीरो प्लेस करो, जीरो प्लेस करेंगे एक्स जगह पे जीरो, वेलोसिटी जीरो, ठीक चल रहा है, और ये वेलोसिटी लेट्स वी नॉट है, वी नॉट है, तो मुझे जानना है एक्स पे नहीं चलेगा ये चलेगा, एक्स पे थोड़ी एच के साथ चेंज हो रहा है ना, ये एच के साथ चेंज हो रहा है, जितना एच बढ़ रहा है वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा आ रही है, तो इक्वेशन गलत जा रहा है। ये बनेगा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, सॉरी टू कह रहा है, और एक कांस्टेंट सी इंटू रूट जेड बनेगा, सॉरी ये जेड बनेगा, वन सेकेंड, ओके, तो ये जो बनेगा, वन सेकेंड, इक्वेशन का बार बार गलत लिख रहा हूँ, ये बनेगा वी बराबर सी जेड स्क्वायर बनेगा, ये पैराबोलिक है। और देखो जेड की जगह पे जब जीरो प्लेस करोगे, जेड की जगह पे जब जीरो प्लेस करोगे तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे जेड जीरो पे भी जीरो बनेगा, और जेड की जगह जितना ही जेड आगे बढ़ रहा है, देखो वेलोसिटी उतनी तेजी से बढ़ रही है, पैराबोलिक है ना, ऐसे चल रहा है ना ऐसे, उतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जेड स्क्वायर के टर्म में चला गया अगर पैराबोलिक है तो। अब कांस्टेंट निकालना है तो इसके लिए लिमिट बाउंड्री कंडीशन प्लेस करेंगे, ये हाइट क्या है एच के बराबर, तो इसमें लिखोगे जेड की जगह पे एच, और भी की जगह पे क्या लिखोगे भी नॉट, तो हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू सी एच स्क्वायर, देन सी इज वी नॉट अपन एच स्क्वायर, नॉट वेलोसिटी प्रोफाइल इज वी नॉट अपन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज, और ऊपर जाने पे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज कर रही है। अब आपको पता करना है डेल वी अपन डेल जेड, शियर स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट कर दो, वी नॉट अपन एच स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ जेड, तो पैराबोलिक है तो ऐसा बनेगा। ओके अब देखिए, ये तो मैंने इस फ्लूप दिखा दिया। सिमिलरली अगर एक ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये एक्सिस है, तो उस क्वेश्चन में भी ये जरूर दिया होगा कि जो लिक्विड का प्रोफाइल है, यहाँ की वेलोसिटी जीरो और यहाँ की वेलोसिटी वी नॉट, अब ये जो प्रोफाइल है ये पैराबोलिक है कि नहीं, अगर लिखा है पैराबोलिक है ये वाला, तो इसका भी वेलोसिटी ग्रेडियंट यही बनेगा, ठीक है, एक और चीज ग्रेजियंट ही बनेगा, और अगर ये थिन है तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो फिर स्ट्रेट लाइन वाला वेलोसिटी ग्रेजियंट बन जाएगा। तो आप एक सिद्धार्थ ना, थिक में लिखा है पैराबोलिक प्रोफाइल है, या ट्यूब के अंदर हो या प्लेन सरफेस पे हो, तो आप ऐसा इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है, जो भी प्रोफाइल लिखेगा उसी इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेजियंट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे रोटेटिंग लिक्विड्स में, रोटेटिंग लिक्विड्स में भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो प्रोफाइल है वो कौन सा बना हुआ है, अगर ऐसा एक सॉफ्ट है
जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और ऊपर की ओर सॉफ्ट नहीं है, ये डिस्क है, डिस्क ऐसे घूम रहा है, पूरी लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ से आर दूरी पे जो लिक्विड्स है इसका प्रोफाइल क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है। अगर इसका ये वी इक्वल्स टू आर ओमेगा बनेगा, इसका बनेगा जीरो। अब ये जो प्रोफाइल बन रहा है ये पैराबोलिक है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्वेश्चन लिख रहा है अगर पैराबोलिक है तो फिर वैसे ही बनेगा, और लिख रहा है कि पैराबोलिक नहीं है, थीन है, तो स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल लिख लो। ये तो ये वाला केस आता है। सेकेंड केस जो इंपॉर्टेंट था वो इरडो के अंदर क्वेश्चन है, और वो है सॉफ्ट का क्वेश्चन। तो सॉफ्ट में क्या है मैं बताता हूँ, उसको मैं अगले पेज लिखता हूँ। द क्वेश्चन इज अबाउट सॉफ्ट, सॉफ्ट रोटेटिंग, रोटेटिंग इन थिक लिक्विड। हम थिक लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो थिक लिक्विड के लिए ये इस तरीके से ऐसा सॉफ्ट है, और ये बाहर का सिलेंडर है, बाहर का सिलेंडर है ये, लेट्स दिस इज इन रेस्ट, आउटर रेस्ट में, और ये अपने एक्सिस पे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। इसका रेडियस आर वन है और आउटर के रेडियस आर टू है, ऐसे आर टू। अब आपको जानना है बेसिकली कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इसमें क्या है, तो इसमें क्या है देखना, इसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो है वेलोसिटी, और इस सरफेस की जो वेलोसिटी होगी ये होगी, अगर लेट्स ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, एंड दिस इज आर वन ओमेगा, इसकी जीरो। अब सीधे आर वन ओमेगा माइनस जीरो डिवाइड बाई ये दूरी नहीं कर सकते हो ना, रीजन है कि थिक लिक्विड है इसमें, तो इसके सेंटर से आर दूरी पे जाएंगे, आर दूरी पे, आर दूरी पे जाएंगे, और अगला जो जाएंगे लेट्स, अच्छा यहाँ की, और देखो यहाँ यहाँ का जो लिक्विड सेटी होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे घट के जीरो हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, अगर एक सॉफ्ट ऐसे घूम रहा है तो सरफेस पे जो वेलोसिटी है दैट इज, तो एक सॉफ्ट है, एक सॉफ्ट है जो कि ऐसे घूम रहा है, तो सरफेस पे जो वेलोसिटी होगी, सरफेस पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज आर वन ओमेगा, और यहाँ के लिक्विड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, और जितना तुम ऊपर जाओगे ना उतना ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे घट के सरफेस इस फिक्स एंड पे जीरो हो जाएगी, मतलब ओमेगा धीरे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो आर दूरी पे मान लो, आर दूरी पे मान लो ओमेगा है, और आर प्लस डी आर दूरी पे मान लो, आर प्लस डी आर दूरी पे मान लो, आर प्लस डी आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी घट गई, एंड दिस इज ओमेगा माइनस डी ओमेगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए जानना है, तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी का डिफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि इसके बीच में ये दूरी है, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है तो तुम यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है तो तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होगा, इसके बीच में वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होगा, अगर इसके बीच में लीनियर बोल दिए तुम, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का डिफरेंस डेल भी अपान डेल आर निकालने जा रहा हूँ, दिस वन इज, इस वेलोसिटी में आर वेलोसिटी को हटा दो, अच्छा यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, आर इंटू दिस वन, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, आर इंटू दिस वन, आर ओमेगा यहाँ की, और अप्रोक्सीमेट ये भी दूरी अप्रोक्सीमेट आ रही है, ये भी दूरी अप्रोक्सीमेट आ रही है, तो यहाँ की वेलोसिटी होगी ओमेगा माइनस डी ओमेगा आर, द थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ओमेगा कंटिन्यूअसली धीरे धीरे घटते जा रहा है, मतलब चेंज ओमेगा में आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज ओमेगा में है, ठीक है, न कि आर में, मतलब आर में जो डी आर आएगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस वेलोसिटी से अभी मैं उसको भी दूर कर दूंगा, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी घटाओ तो बनेगा ओमेगा माइनस डी ओमेगा इंटू आर माइनस आर ओमेगा एंड डिवाइडेड बाई बीच का सेपरेशन दैट इज डी आर, दैट इज डी आर, तो ये बन जाएगा आर ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, माइनस आर इंटू डी ओमेगा अपान डी आर, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इन रोटेटिंग सॉफ्ट, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा कभी कभी तो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि इसकी वेलोसिटी ये दूरी आर प्लस डी आर है, आर प्लस डी आर है, तो इसकी वेलोसिटी आपको लिखना चाहिए आर प्लस डी आर, ये बनना चाहिए ओमेगा माइनस डी ओमेगा आर प्लस डेल आर माइनस आर ओमेगा एंड डिवाइड बाई बीस का सेपरेशन डेट इज डी आर,
अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना, जब सब इस ये वाली ओमेगा ओमेगा इंटू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू बनेगी ना डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, ये बनेगा आर माइनस आर डी ओमेगा, माइनस आर डी ओमेगा, और ये जो डी ओमेगा इंटू डी आर है दैट इज नेग्लिजिबल, कैंसिल आउट कर लो, फिर इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ओमेगा इंटू डेल आर एंड डिवाइड बाई डेल आर बनेगा, बाकी ओमेगा आर इससे कट जाएगा और इसको इसका मल्टीपल नेग्लेक्ट कर देंगे। हम पाते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना ओमेगा इंटू डेल आर, ओमेगा इंटू जो डेल आर की क्वांटिटी है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस वन, इससे भी कम स्मॉल होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और वैल्यू जाती है इतनी जो कि यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि रोटेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ओमेगा धीरे धीरे चेंज होता जाता है, ठीक है, वही स्पेशली चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए हम लोग ओमेगा को डोमिनेटिंग मान के इसका रोटेटिंग शाफ्ट का वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया। अच्छा ये तो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब इसके अलावा अब आते हैं फोर्स और टॉर्क के कैलकुलेशंस के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ फोर्स और टॉर्क का कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेटेड लिक्विड से अगर यहाँ पे अपने सरफेस एरिया ए लिया, सरफेस एरिया ए लिया तो कोई पूछे कि इस पे कितना विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स तो विस्कस फोर्स शियर स्ट्रेस इतना है, शियर स्ट्रेस क्या होता है विस्कस फोर्स अपान एरिया, तो यहाँ पे फोर्स अपान एरिया कर दो और ये वाले एरिया ए ले लो, एरिया को इधर भेज दो, इधर भेज दो, आ गया विस्कस फोर्स ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले में बता करता है, इस वाले में सिमेट्रिकल डिस्टेंस जो लेंगे ना, देखो सेंटर से आर दूरी पे जाएंगे और डी आर थिकनेस का इस तरीके से स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डी आर थिकनेस का स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ये लेंथ मान लो एल के बराबर है, एल के बराबर है, तो एक सरफेस पे जो विस्कस फोर्स आएगा ना, एक सरफेस पे विस्कस फोर्स सरफेस के पैर लगेगा, सरफेस के पैर लगेगा, तो ये ऐसे जाना लिक्विड ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है विस्कस फोर्स इस सरफेस पे पैर, ऐसे 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 पैर लगेगा, सिलेंडर सरफेस पे पैर लगेगा, तो ये जो एरिया बनेगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया वो बनेगा, तो विस्कस फोर्स क्या होगा एफ इज इक्वल टू ईटा, एरिया निकालेंगे और वेलोसिटी ग्रेडियंट रख दोगे, माइनस वी नॉट अपान कैपिटल आर, फॉर्मूला में क्या था देखो एन माइनस वी नॉट अपान आर लिखा, और इसके बाद हम एरिया मल्टीप्लाई करें एरिया, तो ये जो सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इज टू पाई स्मॉल आर एल, टू पाई स्मॉल आर दिस इज, ठीक है, तो ये है टू पाई आर एल, क्योंकि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रही है और इस सरफेस के पैरेलल फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे ये बन जाएगा। अच्छा एक और बात, एरिया वाला जो टर्म आ रहा है वो चाहे थिन लिक्विड का हो या थिक लिक्विड का हो वो तुम सेम मानोगे, ठीक है, थिन या थिक का सेम मानोगे। सिमिलरली हम रोटेटिंग लिक्विड में आते हैं, इस केस में जो विस्कस फोर्स लग रहा है इसमें जो स्ट्रिप और विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला ग्रेडियंट आया था, इसका ग्रेडियंट वो था आर वन ओमेगा डिवाइड बाई एच, ये वाला एच था, ये तो डायग्राम बेसिकली इसका है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो स्ट्रिप तुम्हें ऐसा नजर आएगा, ऐसा ये आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का आपने स्ट्रिप सेलेक्ट किया, स्ट्रिप सेलेक्ट किया तो विस्कस फोर्स उसी पे आएगा, विस्कस फोर्स उसी पे आएगा, उसी पे आएगा सरफेस के पैरल आएगा, तो यहाँ का जो विस्कस फोर्स बनेगा इस वाले एग्जाम्पल का दैट इज ईटा ए, ये बनेगा ए वाला एरिया, क्योंकि विस्कस फोर्स सरफेस के पैरल होता है, सरफेस के पैरल होता है ऐसे, तो कितना बनेगा 2 पाई आर इंटू डी आर बनेगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, ईटा ए इसकी वेलोसिटी कितनी थी आर ओमेगा अपान हाइट क्या था एच, एच था, ये एरिया का टर्म चाहे थिक लिक्विड हो या थिन लिक्विड हो सेम दिखाओगे। अब हम बात करेंगे इस केस में, इस केस में हम क्या लिखेंगे इस केस में एरिया का टर्म, तो इसके बाद हम सीधे चले जाए थिक वाले से एरिया ले लो, ये भी समझ में आ जाए, इसमें क्या है कि विस्कस फोर्स देखना पड़ेगा कि विस्कस फोर्स का किस सरफेस के पैरेलल है, तो लिक्विड है, लिक्विड जो है सॉफ्ट कैसे है, सॉफ्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे सॉफ्ट अगर ऐसे घूम रहा है, वन सेकेंड आपने क्या लिखा 2πrdr, ठीक है ये तो 2πrdr बनेगा, ओके इसमें क्या बनेगा, इसमें जो बनेगा मैं बता देता हूँ आपको, मतलब ये एग्जाम्पल जो है ना, वन सेकेंड ये एग्जाम्पल की मैं बात करूँ या मैं थिन वाले का या थिक वाले का, मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, बात देखिए इसमें जो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट ऐसे घूम रहा है, सॉफ्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो लिक्विड के सर्फेसेस ऐसे हैं तो विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऐसे, तो ये जो कर्व सर्फेस एरिया ना, तुम्हें कर्व सर्फेस से लेना पड़ेगा,
लिक्विड एसेलरेट करिए, लिक्विड के सरफेस के पैरेलल जो फोर्स है दैट इज द विस्कस फोर्स, दैट इज द विस्कस फोर्स। तुम्हें इस फोर्स की बात करनी पड़ेगी, इस फोर्स की। तो इसके लिए तुम्हें ये वाला लेना पड़ेगा। तो अगर तुम आर रेडियस पे गए हो, आर रेडियस पे गए हो, तो आर रेडियस पे जो डी आर थिकनेस का स्लैब है उस पे एक साइड का जो फोर्स है विस्कस फोर्स, उसके लिए ये वाला एरिया सेलेक्ट करोगे। और ये एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर। अगर ये लेंथ एल है तो ये कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा ना ये वाला, दैट इज 2 पाई आर। तो विस्कस फोर्स क्या लिखोगे, इस सरफेस का विस्कस फोर्स का समेशन, मैग्नीट्यूड का समेशन, ये बनेगा ईटा इन पे 2 पाई आर एल, ईटा ए इंटू डेल बी बाई डेल आर, वो तो ये बन जाएगा, दिस इज माइनस आर डेल ओमेगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल आर, दिस इज विस्कस फोर्स आ गया। तो कोई पूछे टॉर्क कितना लगेगा, तो इसमें आर एक और मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। आई थिंक यही फॉर्मूला इसमें लिखा गया, एरोडो में लिखा गया, वो खुद ही डिराइव किया है, डिराइव करके ऑलरेडी लिखा हुआ फॉर्म, जबकि मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। ओके तो मैंने आपको बताया कि विस्कस फोर्स कैसे लिखते हैं, चाहे रोटेटिंग लिक्विड हो या ट्रांसलेटिंग लिक्विड हो, थीन हो या थिक हो। तो आप अब आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे करना है। एक और समराइज कर लूँ, थीन है तो कोई इशू नहीं है, चाहे रोटेटरी हो या ट्रांसलेटरी हो, डेल वी अपॉन वेलोसिटी जो ग्रेजियंट है वो सिंपल वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन बीच की दूरी होगी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज अंडर थिन लिक्विड्स। अंडर थिक लिक्विड्स वो आपको क्या करेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल लेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है कि क्या है, उसके से आता सब निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो एरिया है, एरिया जो निकालना है वो जो विस्कस फोर्स लग रहा है उस विस्कस फोर्स के डायरेक्शन में जो एरिया आता है पैरेलल एरिया, विस्कस फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल जो सरफेस है वो वाला एरिया लिखोगे। जैसे ट्रांसलेटरी में आप ये वाला एरिया लिख रहे थे, कहाँ गया, ये ट्रांसलेटरी में विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा है तो आपने ये एरिया लिखा पैरेलल एरिया। इस केस में विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर इसको ऐसे निकालो विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा है, आपने आपने ये वाला एरिया लिखा, ये वाला एरिया लिखा, दैट इज 2 पाई आर एल, इसमें निकाला लिखा हुआ था। सिमिलरली आपने रोटेटिंग सॉफ्ट में आपने ये वाला एरिया लिखा क्योंकि विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस सरफेस के पैरेलल लिखा, दैट इज 2 पाई आर डी आर, इंटीग्रेट करना पड़ा क्योंकि विस्कस फोर्स डिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। और यहाँ पे आपने अगेन 2 पाई आर एल का एरिया लिखा, अगेन 2 पाई आर एल लिखा, क्योंकि अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा, तो इस सर्फेस के पैरल आपने एरिया लिया। ओके गॉट इट, थैंक यू।